नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है, आप सभी को पता है कि हम आप सभी के लिए तरह तरह का डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लाते रहते हैं और आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते हैं ताकि आपका MTS हो, CHSL हो या CGL हो, जो भी कम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, SSC का हो या सारे SSC का एग्जामिनेशन, आपका एक ही बार में ब्रेक हो जाए। तो आज भी हम आप सभी के लिए कुछ जो है नए और कुछ खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप सभी के पास प्रस्तुत करने वाले हैं यहाँ पर, जो कि आपके एग्जामिनेशन में जो है काफ़ी हेल्पफुल होंगे। हम वे सारे क्वेश्चन आपसे प्रस्तुत करने वाले यहां पर जो 10 साल से एसएससी जो है पिछले 10 साल से लगातार और बार बार रिपीट कर रहा है, वे सारे क्वेश्चन जो आप सभी के पास जो यहां पर हम लोग प्रस्तुत करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो के साथ जो जरूर से जरूर आप बने रहें और आपको हम बताएं कि किस प्रकार से आप जो है इन सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से आप जांच सकते हैं, परख सकते हैं। तो यहां पर आप सभी को बता दें दोस्तों कि इन सारे प्रश्न जो एसएससी पिछले 10 साल से बार बार रिपीट कर रहा है, इन सारे क्वेश्चन को आप जरूर से जरूर पढ़कर जाएं। तो कौन से क्वेश्चन है, किस प्रकार से क्वेश्चन आइए दोस्तों, यहाँ पर हम जानकारी लेने का कोशिश करते हैं, वन बाय वन करके यहाँ पर जानकारी लेंगे ताकि आपको जो है कोई भी किसी भी प्रकार का कोई जो है समस्या का सामना जो है करना ना पड़े। तो वीडियो के साथ जो है दोस्तों बने रहें, अगर किसी भी प्रकार का कोई समस्या है तो आप हमें नीचे कमेंट लिख कर बता सकते हैं कि आपको किस प्रकार से समस्या है, किस प्रकार से उत्पन्न हो रहे हैं समस्या, तो ये चीज़ जरूर आप हमें बताएं। तो चलिए दोस्तों फिर से आपको यहाँ पर दिखा दें किस प्रकार से यहाँ पर जो क्वेश्चन आप सभी के लिए रखे गए। तो यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप सभी के पास यहाँ पर लेकर आए हैं दोस्तों, जरूर से जरूर वीडियो के साथ देखते रहे, बने रहे। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि किस किस प्रकार से कहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन जो आप सभी के लिए यहाँ पर, काफ़ी मेहनत लगते हैं दोस्तों इस वीडियो को, इसीलिए वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करना कभी भी ना भूलें। जैसे कि दोस्तों यहां पर आप सभी देख पा रहे हैं, यहां पर पहला क्वेश्चन आ चुके लिखे गए हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या प्रभाव, क्या अभिक्रिया होती है। पहला दिया गया उष्मा के संरक्षण के लिए फसल की ग्रीन हाउस में खेती की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण सौर ऊर्जा का संग्रह किया जाता है, या इसके अलावा और भी ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए, चार ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद है। अगर आपको दोबारा से क्वेश्चन देखना है तो बैक करके थोड़े से क्वेश्चन जरूर देख ले। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर सौर ऊर्जा का संग्रह करना या वातावरणीय प्रदूषण के कारण ताप में वृद्धि होना, क्या होंगे प्यारे बच्चों, जल्दी से कमेंट लिखें। इसके लिए टाइमलाइन आपके स्क्रीन पर मौजूद हो चुके हैं ताकि आप अच्छे से जान पाएँ, अच्छे से सीख पाएँ और आप अच्छे से आंसर भी दे पाएँ। तो दोस्तों इसके सही आंसर जरूर आप कमेंट बॉक्स पर छेड़ दें कि इसके सही आंसर क्या होने चाहिए, इन चारों में से किसके साथ जाना पसंद करेंगे। तो आइए देख लेते हैं इसके सही आंसर क्या होंगे। तो इसके सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण सौर ऊर्जा का संग्रह करते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है लिखे गए हैं यहाँ पर कि कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए क्या पार करना पड़ता है। पहला जो लिखे गए हैं, पाक जल डमरू पार करना पड़ता है, पाक की खाड़ी पार करना पड़ता है, मनार की खाड़ी को पार करना पड़ता है, या कुक जल डमरू पार करना पड़ता है, क्या पार करना पड़ता है प्यारे दोस्तों, जल्दी से नीचे कमेंट लिखे, टाइमलाइन आपकी स्क्रीन पर मौजूद हो चुके हैं, जल्द से जल्द फटाफट जुड़ जाएं और कमेंट बॉक्स पर छेड़ दें। कमेंट बॉक्स पर आप सभी के लिए कमेंट बॉक्स इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए इसकी आंसर भी हम लोग देख लेते हैं, अगर इसकी सही आंसर की अग्रसित होते तो इसकी सही आंसर मनार की खाड़ी, यानी कि जब भी आप कन्याकुमारी से कोलंबो जाने का मौका मिलेंगे तो आपको मनार की खाड़ी को पार करने पड़ेंगे, तब जाके आप कोलंबो जा सकते हैं, ऐसे ही आप कोलंबो नहीं पहुँच सकते। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर देखते हैं आगे जो है किस प्रकार से यहाँ पर जो है क्वेश्चन जो है रखे गए हैं। तो देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो है बहुत जल्दी यहाँ पर सबमिट होने वाले हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो क्वेश्चन रखे गए हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट है उसी को क्वेश्चन को ही हम यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं, बाकी क्वेश्चन को हम आपके सामने नहीं रखने जा रहे क्योंकि यहाँ पर आप सभी के पास टाइम नहीं है, हमारे पास भी समय नहीं है कि आप फालतू और बेकारी क्वेश्चन आप देखें, वही क्वेश्चन देखें जो SSC बार बार आपके एग्जामिनेशन में रिपीटेड होते हैं। लिखे गए, मृदा में मौजूद कार्बनिक पदार्थ को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, या राख मिट्टी कहा जाता है, खाद मिट्टी कहा जाता है, या कोलाराइट कहा जाता है, क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों, नीचे कमेंट लिखे अगर आप इसके आंसर जानते हैं तो, और यदि आपको नहीं मालूम है तो आपको वेट करें, हम आपको बहुत जल्दी यहाँ पर आपका आंसर भी हम लाने वाले हैं।
तो चलिए टाइम लाइन खत्म हो चुकी है, इसके सही आंसर देख लेते हैं, इसके सही आंसर की ओर अग्रसित होते हैं। तो इसके सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि खाद मिट्टी। मृदा में मौजूद कार्बनिक पदार्थ को सामूहिक रूप से क्या क्या कहा जाता है? खाद मिट्टी कहा जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, आइए यहाँ पर बने रहिए वीडियो के साथ। हम आप सभी के पास सारा का सारा जो वीडियो आप सबके पास यहाँ पर प्रस्तुत करने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं, जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। लिखे गए हैं कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है? तमिलनाडु है, कर्नाटक है, गुजरात है या आंध्र प्रदेश है? क्या है, आप नीचे कमेंट लिखें जरूर एक बार। आपके लिए टाइम लाइन स्टार्ट हो चुके हैं कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड का ही समय है, 10 सेकंड के भीतर भीतर आप इसके आंसर को क्लिक कर दें। तो चलिए टाइम लाइन खत्म हो चुके हैं, इसके सही आंसर के चुनाव हम लोग कर लेते हैं। अगर सही आंसर अगर इसको अग्रसित होते तो इसके सही आंसर गुजरात, यानी कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है? गुजरात में सबसे लंबा तट रेखा है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से हम सारे क्वेश्चन को वन बाय वन करके समझाएंगे। ये सारे क्वेश्चन 10 साल से रिपीटेड हो रहे हैं। जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या है? माइक्रोमीटर है या ओम मीटर है या मिली क्यूरी है या क्यूसेक है? जल्दी से नीचे कमेंट लिखे, इसके लिए 10 सेकेंड का समय सीमा आपको दी जाती है ताकि आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें और दोबारा इसको क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने का कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों इसकी टाइम खत्म हो चुकी है, इसके सही आंसर की ओर अग्रसित हो जाते हैं। अगर हम इसके सही आंसर की ओर अग्रसित होते थे ऑप्शन डी, जो कैंडिडेट ऑप्शन डी को क्लिक किए उनका जवाब बिल्कुल भी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं, जैसे कि आप सभी यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर दोस्तों लिखे गए हैं कि कीट में क्या क्या होता है, जो कीट होते हैं आप कीट देखे होंगे, वो कीट में क्या क्या पाए जाते हैं? 3 जोड़ी टांगे होती, 4 जोड़ी टांगे होती, सिर वच और पेट होते हैं, पंखों का जोड़ा और एंटीना होते हैं, क्या होते हैं कीट में? जल्दी से नीचे कमेंट लिखे, इसके लिए टाइमलाइन आपके स्क्रीन पर स्टार्ट हो चुके हैं और आप जल्द से जल्द फटाफट कमेंट लिखें। तो चलिए इसकी टाइमलाइन खत्म हो चुकी है दोस्तों, इसके सही आंसर की चुनाव हम लोग कर लेते हैं। अगर सही आंसर की ओर अग्रसित होते हैं तो इसकी जो सही आंसर अगर हम लोग, तो 3 जोड़े टांगे होती है, क्या होते हैं कीट में? 3 जोड़े टांगे पाए जाते हैं, 4 टांगे नहीं होती उनके, उन पर जो है 3 टांगे पाए जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को VBI मान के इसको जरूर आप रीड कर ले। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भूजल पेयजल का बेहतर स्रोत है क्योंकि इसमें क्या कम होती है? मिट्टी होती है कम, बैक्टीरिया होती है कम, आर्सेनिक कम होती है या शैवाल कम होती, क्या होती है कम? आप सभी की स्क्रीन में मौजूद है टाइमलाइन, जल्दी से फटाफट कमेंट लिखकर बताएं। और यदि आप इसका आंसर नहीं जानते हैं तो आप वेट करें, हम तुरंत ही 10 सेकंड में ही आपको आंसर भी, हम लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं क्योंकि लाइव में आपको तुरंत ही आंसर आपको मिल जाते हैं। तो इसके सही आंसर है ऑप्शन सी, आर्सेनिक। भूजल पेयजल का बेहतर स्रोत है क्योंकि इसमें आर्सेनिक जो है क्या होते हैं, कम पाए जाते हैं प्यारे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से रीड कर लें। इसमें दोस्तों लिखे गए, साग सब्जी और फल हमारे आहार का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि ये किसे बढ़ाते हैं? क्रमा कुचन को बढ़ाते, लाल स्राव को बढ़ाते या मलोत्सर्जन को बढ़ाते या शोषण को बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं? जल्दी से नीचे कमेंट लिखे, इसके लिए 10 सेकंड का समय सीमा आपको, हर क्वेश्चन में 10 सेकंड का टाइम दी जाएगी ताकि आप इसको अच्छे से रीड कर पाएँ और समझ पाएँ और कमेंट बॉक्स को लिख पाएँ। तो इसके सही आंसर देख लेते हैं, अगर इसके सही आंसर की ओर अग्रसित होते तो इसके सही आंसर है कर्मा कुचन, यानी कि ऑप्शंस ए, जो कैंडिडेट ऑप्शंस ए को क्लिक किए उनका जवाब सही है, यानी कि आप कह सकते हैं कि साग सब्जी और फल हमारे आहार का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि ये जो है कर्मा कुचन जो है बढ़ाते हैं। अब कर्मा कुचन क्या होते हैं अगर आप नहीं जानते हैं तो नीचे कमेंट लिखिए, हम उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको पूरी के पूरी जो है डिटेल्स में आपको मालूम रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुके हैं, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, लिखे गए कीट भच्छी पादप ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिसमें किसकी कमी होती है? कैल्शियम की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है, मैग्नीशियम की कमी होती है या जल की कमी होती है? किसकी कमी होती है? इसके लिए 10 सेकंड का समय सीमा आपके स्क्रीन पर स्टार्ट हो चुके हैं, फटाफट कमेंट बॉक्स पर लिख दें कि इसके सही आंसर क्या होने चाहिए। तो चलिए टाइम लाइन खत्म हो चुके हैं, इसके सही आंसर की चुनाव हम लोग कर लेते हैं। अगर इसके सही आंसर की ओर अग्रसित होते तो इसके सही आंसर है ऑप्शन आपका बी, यानी कि नाइट्रोजन।
कीट भच्छी पादप ऐसी ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। अगर किसी किसी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो वहाँ पर कीट भच्छी पादप जो है उगना स्टार्ट हो जाते हैं। अब कीट भच्छी पादप जो होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, तो वो जो छोटे छोटे करके होते इस टाइप से गोल गोल करके वो पौधे होते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन लिखे गए आनुवांशिकता यानी जेनेटिक्स शब्द किसे गढ़ा है, मतलब किसने दिया है। मॉर्गन ने दिया, मंडेल ने दिया, बैट्सन ने दिया है या जोहानसन ने दिए, किसने दिया है कैंडिडेट, फटाफट कमेंट लिखे। आपके लिए 10 सेकंड का टाइमलाइन स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी से जुट जाएँ जो कैंडिडेट नहीं जुड़े हैं। वीडियो पसंद लग रहा है दोस्तों तो लाइक एक बार जरूर कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करना कभी भी ना भूलें। तो चलिए इसकी भी आंसर हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इसका भी टाइमलाइन जो है ख़त्म हो चुके हैं इसके सही आंसर की और अग्रसित होते हैं। तो इसके सही आंसर है बैट्सन, यानी कि आनुवंशिकता जो शब्द है वो बैट्सन का दिया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन किस प्रकार से क्वेश्चन जो है रखे गए। तो अगला क्वेश्चन के साथ हमारे साथ बने रहे, हम आपको अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आप सभी के पास से आप ही के लिए, सब सारा क्वेश्चन मैंने काफ़ी मेहनत करके ये सब सारे क्वेश्चन को एकत्रित किए हैं और आप सभी के पास जो प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कोशिश करें ताकि हमारा उत्साह बढ़े और इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप सभी के पास प्रस्तुत करें। निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है, विक्रय कर है, उत्पाद कर है, धन कर है या मनोरंजन कर है, कौन से कर होते हैं जल्दी से बताएं। आपको बता दें कि यह क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा वीवीआई है, यह देखेगी पिछले 10 साल में कम से कम हजारों बार से ज़्यादा बार इस क्वेश्चन को रिपीटेड किए गए हैं, इसीलिए मैं भी इस बार भी आपके एग्जामिनेशन में 100% आने की संभावना है। इसीलिए सारे क्वेश्चन को जरूर आप एक बार विजिट कर ले। तो इसकी सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि धन कर, जो कि निर्णय धन कर को क्लिक किए उनका जवाब बिल्कुल भी सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्वेश्चन थोड़े लंबे हैं। देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है, क्वेश्चन को ध्यान से समझें। देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है, चलिए ऑप्शंस यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। वन बाय वन करके यहाँ पर ऑप्शंस को समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर जैसे कि चार ऑप्शंस आपके सामने नज़र है, लिखे गए देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के कारण समझती है, या वर्ष के दौरान उत्पादित पूंजीगत माल की कीमतों में वृद्धि पर देखती है, या ट्रेड यूनियनों की संख्या में वृद्धि के कारण होती है, या देश के समान कीमत स्तर में गिरावट के कारण होती है। जल्द से जल्द इसकी कमेंट लिखें, इसके लिए टाइमलाइन आपकी स्क्रीन पर स्टार्ट हो चुके हैं। फटाफट जुड़ जाएं जो कैंडिडेट नहीं जुड़े हैं हमारे लाइव टेलीकास्ट के साथ, जरूर से जरूर जुड़े रहें और कमेंट बॉक्स पर कमेंट अपना विचार करते रहें। तो चलिए टाइमलाइन खत्म हो चुके हैं, इसके सही आंसर ऑप्शन ए यानी देश की प्रति व्यक्ति इनकम में वृद्धि करना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। फिर से अगला क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुके हैं दोस्तों, जैसे कि लिखे गए यहाँ पर कि जुलाई 1950 में अधिक पेड़ उगाओ अभियान का उद्घाटन किसने किया था 1950 में, ठीक है आज का बात नहीं, जुलाई 1950 का बात है कि अधिक पेड़ लगाओ एक अभियान चलाया गया था जिसका उद्घाटन किसने किया था। विनोबा भावे ने किए थे, के एम मुंशी ने किए थे, जवाहरलाल नेहरू ने किए थे या सरदार पटेल जी ने किए थे, किसने किए थे कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खाली पड़े हुए, फटाफट जुड़ जाएं और कमेंट बॉक्स पर कमेंट लिखिए। अपने विचार जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कमेंट करें, उतने जल्दी आप अपने MTS का एग्जामिनेशन निकाल पाएंगे। चलिए इसके सही आंसर की चुनाव हम लोग कर लेते हैं। अगर इसके सही आंसर है ऑप्शन बी के एम मुंशी ने, अधिक पेड़ लगाओ का अभियान जो है चलाए थे, किसने चलाए थे के एम मुंशी ने ही इसकी उद्घाटन किए थे। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन इसलिए थोड़ी सी हम स्पीड रहने का कोशिश करेंगे। लिखेंगे सीमा शुल्क किसका साधन है, सीमा शुल्क किसका साधन है प्यारे बच्चों, मौद्रिक नीति का या विदेश व्यापार नीति का या औद्योगिक नीति का या राजकोषीय नीति का, किसका है जल्दी से नीचे कमेंट लिखे। आपके लिए टाइमलाइन स्टार्ट हो चुके हैं, 10 सेकंड का समय है, आप फटाफट कमेंट लिखे इसके सही आंसर क्या होने चाहिए। तो चलिए दोस्तों टाइमलाइन खत्म हो चुके हैं, इसके सही आंसर की हम लोग चुनाव कर लेते हैं। अगर सही आंसर की ओर इसकी अग्रसित होते हैं तो इसके सही आंसर ऑप्शन बी यानी कि विदेश व्यापार नीति, सीमा शुल्क किसका साधन है विदेश व्यापार नीति, यदि आप विदेश से व्यापार नीति करते हैं तो उसमें जो सीमा शुल्क जो है लगाया जाता है, यानी कि जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं विदेश से जो भी चीज़ व्यापार करते हैं
तो आदान प्रदान के लिए अलग सा शुल्क उसमें लगाए जाते हैं। आगे आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। लिखे गए अत्यधिक मंदी किस काल में आई है, अत्यधिक मंदी जो है किस काल में आई है, 1400 से 1800 ईस्वी में, 2900 से 3400 ईस्वी में, या 39 ईयर्स से 45 ईयर्स के बीच में, या 22 से 26 साल के बीच में आए, कब आए प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स पर जल्दी लिखें। आप सभी के लिए टाइमलाइन स्टार्ट हो चुके हैं, फटाफट जुड़ जाएं और कमेंट बॉक्स पर कमेंट लिखें। अच्छा चलिए, टाइमलाइन भी खत्म हो चुकी है, इसके सही आंसर की चुनाव हम लोग कर लेते हैं। अगर सही आंसर की ओर अग्रसित होते हैं दोस्तों, तो इसके सही आंसर है आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं। इसके सही आंसर है आपका, देख लेते हैं इसके सही आंसर क्या, इसके सही आंसर है ऑप्शंस टू, यानी दो कैंडिडेट ऑप्शंस टू को क्लिक किया, उनका जवाब बिल्कुल भी सही है, यानी कि 1929 से 34 ईस्वी के बीच में हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं, जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है, जिला पंचायत है, नगर पंचायत है, ग्राम सभा है, या क्षेत्र पंचायत है, क्या है प्यारे बच्चों, जल्दी से नीचे कमेंट लिखिए। आपके लिए टाइमलाइन स्टार्ट हो चुके हैं प्यारे बच्चों, फटाफट कमेंट लिखिए। जो भी कैंडिडेट एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, जबरदस्त तैयारी करें, हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएँ और जबरदस्त अच्छे से तैयारी करें। चलिए इसकी भी टाइमलाइन खत्म हो चुकी है, इसकी भी सही आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसकी सही आंसर ऑप्शन सी, यानी कि भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो उदाहरण है वो ग्राम सभा उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार से आगे का भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विजिट करते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुके हैं, जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं। लिखे गए किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पृथ्वी शिखर नाम दिया गया, किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पृथ्वी शिखर नाम दिया गया, तो जल्दी से नीचे कमेंट लिखे दोस्तों, इसके लिए क्या होने चाहिए। आइए यहाँ पर कुछ हम लोग आप सभी के पास यहाँ कुछ ऑप्शंस को प्रस्तुत करते हैं और आपके सामने रखने का कोशिश करते हैं। लिखे गए 2005 में संयुक्त राष्ट्र साधन सभा बैठक पर, या पर्यावरण एवं विकास पर, 1992 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पर, या व्यापार एवं विकास का 1994 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पर, या इन तीनों में से कौन सा आंसर होना चाहिए, जल्दी से जल्दी कमेंट लिखे दोस्तों। इसके लिए टाइमलाइन आपके स्क्रीन पर स्टार्ट हो चुके हैं, फटाफट कमेंट लिखे, कमेंट बॉक्स पर लेट ना करें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कमेंट करने का कोशिश करें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, टाइमलाइन खत्म हो चुकी है, इसके सही आंसर देख लेते हैं। इसके सही आंसर ऑप्शन बी, यानी कि पर्यावरण एवं विकास पर 1992 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की। इसी प्रकार से आगे भी और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्या फटाफट कमेंट है, किस किस प्रकार का क्वेश्चन है देखिए, देख लेते हैं। यहाँ पर लिखे कि महात्मा गांधी को अर्धनंग फकीर है, यह उक्ति किसने कही थी, बहुत तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, VBI क्वेश्चन है, और अक्सर आपको भी हम बहुत बार बताएं इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स पर जरूर आना चाहिए। अगर जो लोग नहीं कमेंट करते उससे SSC कभी भी नहीं निकलेंगे, पूरा जिंदगी भर वो स्टूडेंट पढ़ते रहेंगे लेकिन उनका SSC कभी नहीं निकलेंगे, क्योंकि यह पढ़ा हुआ क्वेश्चन, अगर पढ़ा हुआ क्वेश्चन भी अगर आप कमेंट नहीं कर पा रहे, यानी आपसे SSC क्या आपके पास 4th ग्रेड का भी नौकरी आपको नहीं होने वाले, इसीलिए अभी तुरंत कमेंट करें, अभी तुरंत। पहला लिखेंगे विंस्टन चर्चिल, दूसरा लिखे लॉर्ड माउंटबेटन, तीसरा लिखेंगे लॉर्ड वेवेल, और चौथा लिखेंगे लॉर्ड लिलिंगथोंगो। जल्दी से नीचे कमेंट लिखे, इसके लिए क्या आंसर होने चाहिए। बहुत बार हमने इस क्वेश्चन को रिपीट किए हैं, इस बार भी रिपीट कर रहे हैं, इसीलिए आप सभी को पूछे बता रहे हैं कि अक्सर हर बार SSC एग्जामिनेशन पूछे ही जाते हैं। तो आइए इसकी आंसर देख लेते हैं, इसकी आंसर है विंस्टन चर्चिल। जो कैंडिडेट विंस्टन चर्चिल को क्लिक किए उनका जवाब 100% सही है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसित होते, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, लिखे गए हैं भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे, अमेरिका से लिए गए थे, यूके से, सोवियत संघ से, या इनमें से कोई नहीं, कौन से होंगे, कमेंट बॉक्स पर आप सभी जरूर बताएं। आपके लिए टाइमलाइन स्टार्ट हो चुके हैं, फटाफट जुड़ जाएं। जो कैंडिडेट वीडियो को पसंद नहीं किया अभी तक, जल्दी से फटाफट लाइक कर दें एक बार, क्योंकि वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगते हैं। तो इसके सही आंसर अमेरिका, यानी भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार जो है किस संविधान से लिए गए, अमेरिका के संविधान से लिए गए, अमेरिका के संविधान से लिए गए।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं। लिखे गए दोस्तों यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन लिखे गए, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? 6 महीना के लिए, 6 सप्ताह के लिए, 1 वर्ष के लिए या 1 माह के लिए? कितने दिन के लिए होंगे कमेंट बॉक्स पर आप जरूर बताएं, क्योंकि आपके लिए टाइमलाइन स्टार्ट हो चुकी है। फटाफट जुड़ जाएं, जिन कैंडिडेट अभी तक नहीं जुड़ पाए हमारे साथ जुड़े और कमेंट बॉक्स पर कमेंट छेड़े। चलिए टाइमलाइन खत्म हो चुके दोस्तों, इसके सही आंसर देख लेते हैं। अगर इसके सही आंसर की ओर अग्रसित होते तो इसके सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी 6 सप्ताह के लिए। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि तक हो सकते? 6 सप्ताह तक जो है लागू होगा। तो चलिए दोस्तों आगे भी क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास किस प्रकार से आप सभी के लिए जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखे गए। आइए दोस्तों देख लेते हैं कि किस किस प्रकार से क्वेश्चन जो रखे गए। वीडियो के साथ कहीं पर जाइएगा नहीं, वीडियो के साथ प्यारे दोस्तों बने रहें, क्योंकि हम आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और आप सभी के लिए ये सारे क्वेश्चन लाते हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछने वाले। आगे बढ़ने से पहले करेंगे कि रिक्वेस्ट कि जो कैंडिडेट अभी भी लाइक नहीं किए हैं तो एक बार ज़रूर लाइक करें, एक बार जरूर आप दोस्त के साथ शेयर करें, कभी भी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और चैनल पर नहीं है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, आज सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को जरूर दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर आप सिलेक्ट करें। अगर आप ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आपको सारा नोटिफिकेशन नहीं प्राप्त होंगे। इसीलिए SSC से पल पल जुड़े खबर के लिए और नोट्स के लिए आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके जुड़ जाएँ। चलते आगे क्वेश्चन की ओर। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, सिख धर्म है, हिंदू धर्म है? कौन से धर्म है प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स पर आप जल्दी से बता दें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, VVI बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्द से जल्द नीचे कमेंट छेड़ें और आपको हम इसकी आंसर भी बताएंगे। तो चलिए टाइमलाइन खत्म हो चुकी है, इसकी सही आंसर देख लेते हैं। इसके सही आंसर है आपका ए, यानी कि बौद्ध धर्म। जो कैंडिडेट बौद्ध धर्म को क्लिक किए उनका जवाब बिल्कुल भी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन लिखे गए हैं दोस्तों कि रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर में हुआ? ये भी VVI क्वेश्चन है। रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर में हुआ? सेंट पीटर्सबर्ग में हुए, मॉस्को में हुए, कजान में हुए और आडेसा में हुए? किस में हुए प्यारे दोस्तों, जल्दी से कमेंट लिखिए। आपके लिए टाइमलाइन स्टार्ट हो चुके हैं, फटाफट जुड़ जाएं, जल्दी से जुड़े जो कैंडिडेट अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं जुड़ जाएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें। टाइमलाइन खत्म हो चुकी है, इसके सही आंसर देख लेते हैं। इसके सही आंसर ऑप्शन ए, सेंट पीटर्सबर्ग, यानी रूसी क्रांति का प्रारंभ जो हुए थे वो सेंट पीटर्सबर्ग शहर से जो है स्टार्टिंग किए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं जैसे आप सभी देख पा रहे हैं। लिखे गए जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को क्या कहते हैं? त्रिपिटक कहते हैं, वेद कहते हैं, आर्य सूत्र कहते हैं या अंग कहते हैं? क्या कहा जाते हैं जल्दी से नीचे कमेंट लिखे। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड का समय सीमा आपको दी जाती है। चलिए टाइमलाइन खत्म हो चुके हैं, इसके सही आंसर देख लेते हैं। इसके सही आंसर क्या होते हैं? अगर इसके सही आंसर की ओर अगर हम लोग अग्रसित होते हैं तो इसके सही आंसर ऑप्शन डी, यानी अंग। जैन साहित्य को हम लोग अंग कहते हैं। तो आज का सेक्शन यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। यह सारे थे जो कि पिछले 10 साल से काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड हो रहे थे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे दोस्तों, एक बार कमेंट लिख कर हमारा उत्साह जरूर बढ़ाएँ। इसके साथ साथ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर करना कभी भी ना भूलें। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सिलेक्ट करें। तो फिर मिलते हैं कोई एक नई SSC नोट्स के साथ, कोई एक लाइव क्लासेस के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।